पहाडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहृणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात् तत्तु समन्वयात् इच्छतेर्ना शब्दम्। वो तो होगा ना। अच्छा चौथा चल रहा है। महादेव तत्व समन्वयात में द्वितीय वर्णक का विचार है। वेदांत से ब्रह्म का ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान होने पर उपासना होगी, ये जो पूर्व पक्षी का कहना था उसका निराकरण किया जा रहा है। कर्म उपासना का फल अनित्य है और ब्रह्म विद्या का फल नित्य है, मोक्ष। यहाँ पर कोई विधि नहीं है। महादेव कर्म उपासना में मार्ग होता है और ज्ञान होने पर कोई मार्ग नहीं होता है, ठीक है। ये कहा भगवान भाष्यकार ने। प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्याधिकृतम अधिकारी तारतम्य। फल में तारतम्य होने से फल का हेतु में तारतम्य है, ठीक है। धर्म में तारतम्य हो तो धर्म करने वाला अधिकारी में तारतम्य मानना पड़ता है, ठीक है। तथा च जागादि अनुष्ठाई नाम एव। जागादि का अनुष्ठान करने वाले होते हैं। विद्या समाधि विशेषात, विद्या यहाँ पर उपासना, उपासना भी सबकी अलग अलग होती है। समाधि यहाँ पर चित्त की स्थिरता, उसके विशेष से उत्तीर्ण पता गमनम, उत्तर मार्ग से गमन करते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उपासना नहीं करता है, केवल कर्म करता है, तो कहाँ जाएगा? स्वर्गलोक। केवलेर इष्टापूर्त दत्त साधने धूमाधिक्रमेण, धूम मार्ग होता है उनको। दक्षिण पथा गमनम तत्रापि, थोड़ी सी टीका ले लो। इष्ट पूर्त दत्त तीन कर्म है,
इष्ट कर्म, पूर्त कर्म, दत्त कर्म, तीन प्रकार कर्म। ये श्लोक देखो याद रखिएगा। अग्निहोत्रम तपः सत्यम, बोलो। अग्निहोत्रम तपः सत्यम, वेदानां चानुपालनम्, आतिथ्यं वैश्वदेवञ्च, इष्टमित्यविधीयते। ये इष्ट कर्म है। तो कहते हैं कि अग्निहोत्र करना, अग्निहोत्र जाग, तप करना, तप चंद्रण आदि व्रत, सत्यम सत्य का भाषण करना, सत्य बोलना है, सत्य बोलना है, ये बहुत बड़ा साधन है ये। सत्य को प्राप्त करने में लगे हैं और आश्रय ले रहे हैं असत्य का, क्या होगा? तो ये कैसे ही बोलो, है तो सब मिथ्या है, तो ऐसे तर्क करने से नहीं होगा। चाहे सत्य बोलो चाहे झूठ बोलो, दोनों में से कौन सत्य है? सत्य वचन सत्य है कि मिथ्या वचन सत्य है? पहले कुछ भी बोलो सब मिथ्या ही है, ऐसे नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। यद्यपि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कोई भी शब्द है तो मिथ्या है, लेकिन सत्य भाषण को अपनाने से ही सत्य की प्राप्ति होगी। ठीक है। बड़े महाराज श्री जी थे, झूठ कोई बोल दिया तो महाराज श्री जी को सहन नहीं होता था। अरे सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, बोलते हो झूठ, कैसे होगा? कितने भी त्रुटि हो जाए, सत्य बोल दिया तब प्रसन्न हो जाते। वेदानां च अनुपालनम्, वेदों का अनुपालन मतलब क्या है? गुरुमुख से श्रवण करो फिर उच्चारण करो, है ना? गुरुमुख से श्रवण करके फिर उच्चारण करने का नाम होता है वेदानुपालनम्, मतलब पारायण करना है। ठीक है। आतिथ्यम अतिथि की सेवा है, वैष्णदेव जाग है, और ये सब क्या हो गए? इष्ट कर्म। पूर्त कर्म देखो, बापी कूप तड़ागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदानमारामः पूर्तमित्य विधीयते। हाँ, यह है पूर्त कर्म भाई। कभी तो जो कहीं बापी जो है होता है ना, छोटे छोटे जलाशय, वो खुदवा दिया, और कोई कुआं खुदवा दिया, है कि नहीं? सब ले लो जलाशय, ठीक है, आजकल कहाँ कर खुदवाओगे? फिल्टर लगा दो बहुत है पानी पीने के लिए, नहीं तो कहाँ जमीन लाओगे अब? ये भी पूर्त ही है। और कहीं मंदिर बनवा दिया, ठीक है, अन्न प्रदानम कहीं अन्न क्षेत्र खुलवा दिया, ठीक है, और कहीं जो है धर्मशाला बनवा दिया, है ना? हाँ, ये सब क्या बोलेंगे? पूर्त है। ये किसका कर्ज है? गृहस्थ का ही, सन्यासी का है, है? हाँ सही है ना, देखो। ठीक है, लेकिन ये सब जो है निष्काम भाव से करेगा तो चित्त शुद्ध होगा, सकाम भाव से करेगा तो स्वर्ग जाएगा, नहीं? नहीं तो कोई धर्मशाला बनवा दिया और नाम रख दिया अपना, तो कैसे होगा? नहीं तो कहीं के लिख देते हैं शिवार्पण मस्तु, और फिर अपना नाम लिख देंगे, तो शिवार्पण मस्तु कहाँ हुआ? हैं, शिव जी को दे, शिव जी का हुआ आपका, आप आए कि नहीं? और क्या है? दत्त कर्म देखो, शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्य हिंसनम
बहिर्वेदी च यद्दानम् दत्तमित्यभिधीयते। इसको कहते हैं दत्त कर्म। शरणागत कोई शरण आया, शरण में आया है तो उसकी रक्षा करो, ये राजा का काम है। कोई भी हो जो कर सके करे। भूतानां च अहिंसनम्, हिंसा नहीं करना, मा हिंसा सर्व होता नहीं है ना। बहिर्वेदी च यद्दानम्, देखो जो यज्ञ करते हैं ना उसका एक अंग होता है, वो तो कर्म के अंतर्गत हो गया। जाग में जो दान देते हो दान अलग है, जाग करने के बाद जो दान देते हैं वो अलग है। यज्ञ में जो दान देते हो ना वो तो कर्म का अंग हो गया। बाहर में जो देते हो, भंडारे में जो दक्षिणा वगैरह देते हैं, वो क्या हो गया? बहिर्वेदी दान। वो किस में आएगा? वो दत्त में आएगा। किस कर्म में आएगा? दत्त कर्म में आएगा, है ना। हाँ, ये सारे कर्मों को ये सकाम भाव से करते तो स्वर्ग लोग, और निष्काम भाव से करते तो चित्त शुद्ध होगा। ये है भाष्य है, देखिए। तो कहते तत्रापि सुख तारतम्य होता है, उसमें भी क्या होता है? सुख का तारतम्य। तारतम्य मतलब उत्तर उत्तर अधिक। जहाँ पर तारतम्य होगा सुखों का तो वहाँ पर दुख तो होगा ही होगा। इसलिए देवता को भी दूसरे के उत्कृष्ट सुख को देख करके दुखी होते, वहाँ पर भी दुख का मिश्रण है, ये बोलते हैं। तो जहाँ पर सुख का में तारतम्य हुआ तो साधन में भी तारतम्य मानना होगा। साधन क्या है? धर्म। कैसे निश्चय हुआ? शास्त्रात्, शास्त्र प्रमाण से होगा, है कि नहीं। ये कह रहे देखो, यावत् संपातम उषित्वा इति अस्माद् गम्यते। यावत् संपातम, संपात का अर्थ होता है कर्म। ये जीव को एक शरीर से अन्य शरीर में ले जाने वाला होता है संपात। संपूर्वक पद धातु है कि नहीं। करण अर्थ में करेंगे घय प्रत्यय संपात, तो संपात का अर्थ क्या होगा? कर्म। टीका में दिया होगा कहीं, देखिए। तत्रापि कहने से चंद्रलोक, स्वर्गलोक में भी सुख का तारतम्य दिखता है, इसलिए धर्म का तारतम्य मानना चाहिए। और धर्म का तारतम्य है तो अधिकारी में भी तारतम्य होगा, है कि नहीं। संपतति, संपतति गच्छति अस्माद् लोकात् अमुम लोकम अनेना इति संपातः। तो संपात का अर्थ हो गया कर्म, देखो ठीक है। इसको बाण शब्द से भी कह सकते हो, बाण। निर्वाण में है ना बाण शब्द, तो बाण का अर्थ कर्म भी होगा। और विद्या काम पूर्वक जो कर्म होता है ना वही होता है बाण, वही तो एक शरीर से दूसरे शरीर को ले जाता है। और ब्रह्म विद्या से जिसकी निवृत्ति हो गई वो हो गया निर्वाण। निर्गतम बाणम यस्मात् तद निर्वाणम, मोक्ष होता है, विधि मुक्ति, ठीक है। कोई कर्म अवशिष्ट रहा नहीं, ज्ञान से संचित आदि कर्म नष्ट हो गए, और भोग से प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो गया, और कोई रहा नहीं पुनर्जन्म का, इसलिए विधि मुक्त हो गया ज्ञानी, ठीक। यावत् कर्म भोक्तव्यम तावत् स्थित्वा पुनरायान्ति इत्यर्थ। ये देखो नर, जितना कर्म भोक्तव्य है स्वर्ग में उतने समय को रहेगा वो, फिर छीणे पुण्य मर्तलुक विसंति, फिर आ जाएगा वो। कहाँ आएगा क्या पता? पुण्य क्षीण हो जाएगा तो स्वर्ग से कहाँ गिरेगा क्या पता? वृष्टि आदि माध्यम से आएगा कि नहीं? अन्न बन जाएगा, कहाँ पर होगा क्या पता? हैं, समुद्र में गिरेगा तो क्या बनेगा? समुद्र में गिरेगा तो क्या बनेगा? कुछ भी बन सकता है।
मछली बन सकती है, मगरमच्छ बन सकता है, क्यों भाई? तब मगरमच्छ बनेगा तो मगरमच्छ से क्या बनेगा, क्या गारंटी है? मगरमच्छ बन गया अथवा मछली बन गई है ना, उस मछली से फिर क्या बनेगा, क्या पता है? गारंटी है? गारंटी नहीं है। अब छोटी मछली को बड़ी मछली खा दिया, मछली को मगरमच्छ खा लिया, मगरमच्छ को बाघ खा लिया, वो घूमता ही रहेगा उसमें। और जमीन पर गिरा तो क्या खाए, कौन खाएगा, क्या पता है? अन्न है ना, अन्न में है वो, अन्न को कौन खाएगा? बहुत कठिन है उस भाव से निकलना, है ना। उस भाव से निकल करके कभी सुजोग मिलता है कि मनुष्य जन्म मिलता है कि नहीं? वो चक्र है, चलता ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई अन्न बन गया, मान लो अन्न से क्या मनुष्य बनवा के गारंटी है? बकरी खा लिया तो मनुष्य कहाँ बनेगा फिर? बकरी को फिर कोई बाघ खा लिया तो? बाघ को फिर कौन खा लिया? चींटी खा लिया, वो चींटी फिर जमीन पर मर गई, फिर अन्ना हो जाएगा, वो घूमता ही रहेगा, वो घूमता रहेगा वो। है कि नहीं? कोई अधिक पुण्यात्मा हो तो कोई मनुष्य खाएगा, और मनुष्य भी कौन मनुष्य हो, सामर्थ्य हो, कोई ब्रह्मचारी खाएगा तो थोड़ी होगा, कोई वृद्ध खा लिया, बालक खा लिया तो नहीं होगा, है कि नहीं? कोई पति खावे वो भी समर्थ हो तब जाकर आगे मनुष्य होता है कि नहीं? महादेव ये है भाष्य में आ गया। यत यावत संपातम उषित्वा, उषित्व का अर्थ स्थित्वा, बसने वास से, बस धातु से त्वा, उषित्वा रह करके। इति अस्मात् गम्यते, शास्त्र से निश्चय होता है। अच्छा जी, तथा मनुष्यादिषु, है देखो, नारक स्थावरंतेषु सुखलवश्चोदनालक्षण धर्मसाध्य एवैते गम्यते तारतम्येन वर्तमान। ये तात्पर्य हुआ। ठीक है, ये बोलते हैं, देखो थोड़ी टीका रहेगी भी। मनुष्यत्वाद ऊर्ध्वगतेषु सुखस्य तारतम्यम उक्त, मनुष्य से लेकर के ऊर्ध्वलोक पर्यंत, कहाँ तक, ब्रह्मलोक पर्यंत, सही में सुख बराबर है? नहीं, सुख में तारतम्य दिखता है, उत्तरोत्तर अधिक दिखता है। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना ना समझो, अधोगति को भी समझ लो। अधोगतेषु तदा, अधोगति में भी ऐसे होता है। अधोगति में क्या होता है, सुख होता है कि दुख होता है? वहाँ पर भी दुख तो होता है, दुख बाहुल्य, लेकिन सुख भी होता है थोड़ा बहुत अधोगति में। ठीक है, नरक आदि में वो दुख ही दुख होता है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत सुख तो होता है। अरे भाई, जिसको खा करके आप सुखी हो तो ये दुखी होते हो, जिसको खा करके, उसी को खा कर कोई सुखी होता है कि नहीं होता है? जिसको देखने मात्रा से आप दुखी होते हो, उसको खा करके कोई सुखी भी होता है? इसलिए नरक आदि में भी थोड़ा बहुत सुख तो होता है। ठीक है ना, इसलिए कह रहे कि तथा भाष्य में देखो, मनुष्यादिशु नारक स्थावरंतेषु, मनुष्य से लेकर के नरक पर्यंत, हाँ, सुख होता है थोड़ा सा, सुख लवस, ये देखो थोड़ा सा सुख तो होता है। कैसे निश्चय होता है? चौदना लक्षण धर्म साध्य, वो सुख कहीं भी हो तो समझना चाहिए कि धर्म से, धर्म के बिना सुख होगा नहीं, वैसे सुख धर्म के बिना नहीं होगा। शास्त्र प्रमाण है, चौदना लक्षण, जो चौदना जो वाक्य है उस वाक्य रूपी प्रमाण से निश्चय होता है कि धर्म से सुख होता है। ठीक है, इति गम्यते तारतम्य न वर्तमान, इसलिए सुख का तारतम्य विद्यमान है, ये निश्चय करना चाहिए।
टीका देख लो। इदानीं दुःख तद हेतु तद अनुष्ठायिनां तारतम्यं वदन् अधर्म फलम प्रपंचयति। ये देखो यहाँ पर भी यही समझ लो, सुख में जैसे हुआ कि नहीं, दुख में ऐसे समझ लो। दुख में तारतम्य, किसी का दुख कम है तो किसी का दुख ज़्यादा है, तो दुख में तारतम्य दिख रहा है। तो दुख में तारतम्य है तो दुखों का हेतु में तारतम्य होगा, है ना। कोई ज़्यादा अधर्म किया तो ज़्यादा दुखी होगा, है कि नहीं। हाँ, इसलिए जो नहीं पढ़े हैं शास्त्र वो भी कहते हैं ये बड़ा पापी है, कहते नहीं कहते हैं। दुख को देख कर, हाँ, दूसरे को नहीं देखना, अपने को भी देखना है। दुख हो रहा है समझ लो कि हमने कभी पाप किया होगा। ठीक है, ले दुख, दुखों का हेतु हो गया अधर्म, है ना। और अधर्म में भी तारतम्य हो तो अधर्म करने वाले में तारतम्य होगा, है कि नहीं। हाँ, अनुष्ठाई नाम, अनुष्ठाई कौन हो गया, अधर्म करने वाला। तारतम्य को कहते हुए अधर्म फलम, अधर्म का फल है दुख। दुख का हेतु भी ले लो शरीर आदि, जैसा कर्म होगा ऐसे ही होगा, सुख भी ऐसा होगा, सुख दुख। और सुख दुख का हेतु जो शरीर, शरीर आदि भी ऐसे ही मिलेगा, वो देने वाले भी ऐसे ही मिलेंगे। किसी को कटु शब्द दे करके दुख दिए हो, और ऐसे ही कटु शब्द बोलने वाले मिलेंगे, जहाँ जाएगा कटु शब्द ही मिलेंगे, बोलने वाले मिलेंगे। और क्या, गृहस्थ हो तो पत्नी आएगी, वो भी कटु शब्द बनने वाली आएगी। बच्चा होगा वो भी ऐसे ही बोलेगा, वो है ना, मधुर वाणी मिलने वाले मिलेंगे नहीं, बोलने वाले। ये है सिद्धांत है ये। इसलिए भाष्यकार कह रहे देख लो, तथा ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु देहवशु दुख तारतम्य दर्शनान। ये देखो क्या बोलते हैं भाष्यकार, ऊर्ध्वगति स्वर्ग आदि उसमें भी दुख होता है क्या, बोलते हैं उसमें भी दुख होता है, उसमें भी दुख होता ही है, ठीक है ना। इसलिए योग सूत्र में कहा ना भाई, एक होता है शुक्ल कर्म, एक होता है कृष्ण कर्म, एक होता है शुक्ल कृष्ण, और एक होता है अशुक्ल कृष्ण। कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार के, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण, है ना, तीन हो गए। चौथा क्या होता है, अशुक्ल कृष्ण, जो पुण्य पुण्य हुआ है सुख देगा वो, उसका नाम क्या हो गया, शुक्ल कर्म हो गया। जो दुख देगा तो कृष्ण कर्म, पाप जिसको कहते हो। तीसरा होता है थोड़ा बहुत पाप रहता है उसमें, याग करते हो, है कि नहीं, उसमें चींटी वगैरह मर जाती है कि नहीं, तो क्या होगा उससे, पाप होगा कि नहीं होगा। बढ़िया जाग तो कर रहे हो लेकिन वो ब्राह्मण को दुखी कर दिया है, 10 रुपये धरा दिया, बोल दिया होटल में खा लेना, तो कैसे होगा उससे। तो पंडित जी दुखी होंगे तो पाप होगा कि नहीं होगा। तो पुण्य तो हुआ जाग होने पर, लेकिन पाप भी हो गया। चौथा होता है अशुक्ल कृष्ण, कर्तव्य बुद्धि से करेंगे, ये करना चाहिए, मया इदम कर्तव्य, मुझे ये करना चाहिए, शास्त्र से प्रेरित होकर, कामना से प्रेरित होकर नहीं, शास्त्र से अथवा गुरु से प्रेरित होकर यदि करे तो क्या होगा, अशुक्ल अकृष्ण, उसे चित्त शुद्ध होता है, वही ज्ञान का हेतु बनता है अशुक्ल अकृष्ण। तो ये है भाष्यकर कह रहे कि ऊर्ध्वगति में स्वर्ग आदि में भी दुख होता है, अधोगति में तो होता ही है। अधोगति सुच देह वस्तु, जो भी जितने भी देहधारी है, दुख तारतम्य दर्शना, दुख में तारतम्य दिखता है, तो फिर
शास्त्र से मानना चाहिए। तद हेतोर अधर्मस्य, उसने जरूर अधर्म किया होगा। कैसे निश्चय हुआ? प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य, प्रतिषेध जो वाक्य है सुरा न पात्यव्य इत्यादि है ना, माहिंसा सर्वभूतान इत्यादि है ना, तद अनुष्ठाई नाम च, अधर्म का अनुष्ठान करने वाले उसमें भी तारतम्य मानना चाहिए। तारतम्यम गम्यते, ये क्यों कह रहे हैं? मोक्ष कर्म के फल से विलक्षण है, कर्म फल से विलक्षणता मोक्ष में दिखा रहे है कि नहीं। वो मोक्ष वेदांत से होगा, वेदांत का विचार करने पर ज्ञान से होगा, कर्म उपासना से मोक्ष नहीं होगा, इसलिए विलक्षण है ये मोक्ष। एवं थोड़ी सी टीका देखो, द्विविधम कर्म फलम, देखो कहते हैं कर्म के फल दो प्रकार के हो गए है ना, दो प्रकार के कर्म होने से कर्म के फल भी दो प्रकार के हो गए ना, सुख अथवा दुख। और ज्ञान का फल कितने प्रकार के है? एक ही प्रकार के, इसलिए कह रहे हैं देख लो, मोक्षस्य तद वैलक्षण्य ज्ञान आया है ना। हाँ, मोक्ष जो है कर्म के फल से विलक्षण है, ऐसा बैठ जाए वेदांत विचार करने वाले में ना, इसलिए ज्ञान आय प्रपंचितम, जो विस्तार से अभी कहे थे उसका उपसंहार कर रहे, उपसंहरति। एवं भाष्य में देखो, अविद्यादि दोषवताम धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम शरीरोपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम अनित्यम संसार रूपम श्रुतिस्मृति न्याय सिद्धम तथा च श्रुति ही। ये बोल रहे देख लो, वो कहते हैं कि अविद्यादि दोष, सबसे बड़ा दोष तो अविद्या है, अपने स्वरूप को नहीं जानना, ये अविद्या है, मूला विद्या है, मूला विद्या ही सबसे बड़ा दोष। तुला विद्या तो नष्ट भी हो जाती है, लेकिन मूला विद्या ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होती है, ठीक है। इसलिए मूला विद्या है, कामना है और कर्म, ये हो गए दोष, अविद्या आदि दोषवताम। तो वही तो धर्माधर्म करेंगे, धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम है। देखो, जैसा धर्माधर्म होगा ऐसे ही शरीर आपको मिलेगा, ये बोलते शरीर की प्राप्ति भी ऐसी होगी है कि नहीं। कोई जन्म से मान लीजिए वो दुखी है, वो कोई जन्म से ही रोग है, जन्म से ही रोग तो क्या मानना चाहिए, पापी है। अब कोई स्वस्थ है ना, अंतिम तक कोई स्वस्थ रहता है कि नहीं। कोई ऐसे कितना भी खा लो पेट कभी खराब नहीं होता है, कोई एक रोटी भी खा लिया तो पेट खराब हो जाता है, क्या मानना चाहिए। और क्या होते कि नहीं, कोई कोई इतना खाते हैं कभी पेट खराब नहीं होता है, उसको कहते ना अन्नाद, कोई कोई अन्नाद होते हैं ना, अन्नाद है ना, जो ट्रैक नहीं तेज होता है। हाँ, एक साधक पढ़ते थे हमारे साथ में, हाँ वो तो भिक्षा ही करते थे, और भिक्षा जो है तीन जगह से करते थे, कितने जगह से, तीन जगह से क्यों, और एक जगह से ज़्यादा थोड़ी देंगे, पांच रोटी छह रोटी देंगे, उससे ज़्यादा देंगे नहीं, उससे तो कुछ नहीं होता, नाश्ता की तरह नहीं होगा, इसलिए तीन अन्न क्षेत्र से मांगते थे है ना। फिर खाने के बाद फिर वो जो है वो शाम को भूख लगती थी उनको, क्या मानेंगे उसको, कभी उपासना की होगी। इसलिए आप क्यों जलते हो, ज़्यादा खाते हो, खाने दो। उपासना की होगी, आप उपासना नहीं की हो। है ठीक है, अन्न ब्रह्म की कभी उपासना की होगी वो। चलो, तो अभी शरीर उपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्य, देखो शरीर के बिना सुख दुख की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए तार्किक लोग भी आत्मा में जो सुख दुख मानते हैं वो भी शरीर से मानते हैं ना। हाँ, यत अवच्छेदे न आत्मनि भोगो जायते तत् शरीरम,
तार्किक लोग शरीर का लक्षण करते हैं, है ना। यद अवच्छेदेना आत्मनि भोगो जायते हैं तत्शरीरम, जिस अवच्छेद से आत्मा में भोग होता है। वेदांत लोग तो आत्मा में नहीं मानेंगे, चिदाभास में मानेंगे, बुद्धि में मानेंगे, है ना। तो ये शरीर हो गया वो, तो ये भी शरीर की प्राप्ति धर्माधर्म से होगी। सुख दुख तारतम्यम अनित्यम संसार रूपम, ये देखो ये संसार अनित्य है, ये भी कर्म का फल हुआ। श्रुति से, स्मृति से और न्याय है युक्ति, उसे सिद्ध होता है। तो यहाँ पर अविद्यादि कह दिया ना, आदिपद से इसको भी ले सकते हो, अस्मिता, काम, क्रोध, भय, ये सब आदि शब्द से होगा। तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, भाई देखो वो स्वर्ग में जो फल है, स्वर्गलोक विस्तृत है, यहाँ की अपेक्षा से विस्तृत है स्वर्गलोक, है कि नहीं। वो भी कर्म का फल है, वो क्षीण हो गया तो फिर मर्त्य लोक में आना पड़ता है। काष्टो उपचया ज्वालो उपचय दर्शना, ये देखो युक्ति है, हाँ, जैसे काष्ठ ज्यादा हो तो ज्वाला ज्यादा होगी, नहीं होगी कि नहीं होगी। जितना काष्ठ डालोगे अग्नि में, अग्नि में ज्वाला उतनी बढ़ेगी, है ना। इसलिए अग्नि में जो तारतम्य हुआ उसका हेतु क्या हुआ, काष्ठ में तारतम्य हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, ये युक्ति हो गई। ठीक इसी प्रकार से फल तारतम्य न, फल हो गया कौन, सुख दुख। सुख दुख में तारतम्य दिखता है तो सुख दुख के हेतु में तारतम्य मानना चाहिए धर्माधर्म में। और धर्माधर्म में तारतम्य हो तो करने वाले में तारतम्य होगा, है कि नहीं। इसलिए युक्ति हो जाएगी यहाँ पर, फल तारतम्य न साधन तारतम्य अनुमानम, ये अनुमान जो है ना युक्ति, ये हो गया न्याय, ये न्याय हो जाएगा वो, है कि नहीं। अयम देवदत्त पुण्यात्मा, क्यों सुखित्वात, हुआ कि नहीं हुआ। ये देवदत्त पुण्यात्मा है, क्यों सुखित्वात, अस्मद्वत मेरे जैसे, अनुमान करना पड़ेगा। सामने व्यक्ति के सुख दुख को, सुख को देख करके पुण्य का अनुमान करोगे और दुख को देख करके किसका अनुमान करेंगे, पाप का अनुमान करना पड़ेगा। और युक्ति का आधार भी शास्त्र है कि नहीं। हाँ, पुण्य न पुण्यम, पापे न पापम, है कि नहीं। हाँ जी, देवदत्त क्या, स्वरूप में कुछ नहीं होता है भाई, स्वरूप में कुछ नहीं होता है, चिदाभास में होता है। क्या होता है, सुख दुखों का संबंध बुद्धि में होता है और बुद्धि में चिदाभास है, पाप पुण्य भी बुद्धि में है कि नहीं। और पाप पुण्य का फल जो सुख दुख, वो भी बुद्धि में होता है और बुद्धि में चिदाभास है। अधिष्ठान में कुछ नहीं होता है, अधिष्ठान में ना पाप पुण्य है ना अधिष्ठान में पाप पुण्य का फल है। स्वरूप अधिष्ठान असंग है, असंग ही अयम पुरुष, ये सब जो होता है बुद्धि में कहो अथवा बुद्धि विशिष्ट चिदाभास में कहो, ठीक है। लेकिन अभी जानता नहीं ना, चिदाभास को ही मैं मान रहा है, इसलिए सुखी दुखी है वो, है कि नहीं। अच्छा चलो, श्रुतिम आह, श्रुति को बोलते हैं देखो, है तो क्योंकि स्मृति श्रुति के पीछे चलेगी ना, स्मृति भगवती सीता किसके पीछे चलेगी, भगवान राम के पीछे चलेगी, क्यों। इसी प्रकार जो स्मृति जो भगवती है ना, किसके पीछे चलेगी, श्रुति के पीछे चलेगी, श्रुति वेद, इसलिए श्रुति मूलक का प्रमाण होता है स्मृति, है कि नहीं। हाँ, और श्रुति स्मृति मूलक होता है शिष्टाचार, और तीनों मूलक होता है स्वच्छ प्रेमात्मन,
नहीं तो अपने को प्रिय होने से पुण्य नहीं कह सकते। वो तो पकड़ मारने वाला भी पकड़ मारता है, उसको भी अच्छा मानता है कोई कोई। अपने को प्रिय होने मात्र से पुण्य होगा ऐसा नहीं, धर्म होगा ऐसा नहीं, वो प्रमाण नहीं है। वो मूल प्रमाण कौन होता है? श्रुति। पहले बतलाया था ना, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन एतत् चतुष्टयम् प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। मूल प्रमाण कौन हो गया? श्रुति। श्रुति के पीछे स्मृति, और श्रुति स्मृति के पीछे सदाचार शिष्टाचार, और तीनों के पीछे कौन? स्वस्य च प्रिय, अपने जो प्रिय होता है, ये समझ लो। ठीक है, इसलिए अंतोदगत्व श्रुति को ही मानना पड़ता है। इसलिए कुमारिल ने कह दिया कौन सर्वज्ञ है कौन सर्वज्ञ नहीं, क्या पहचान में आएगा, है ना? इसलिए सर्वज्ञ होने से वो प्रमाण हो जाएगा, ऐसा न मानो। यदि श्रुति वाक्य हो तो प्रमाण है, तत्मूलक हो तो वो भी प्रमाण होगा, विरोध है तो अनपेक्षम स्यात्, असति ही अनुमानम, कुमारिल भट्ट ये कहते हैं। अच्छा जी, ना हवई, ये मंत्र देखो याद रखना, ये छांदोग्य में है। तो कहते हैं कि जो है ना हवई स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियोर अपहतिर अस्ति इति यथा वर्णितम संसार रूपम अनुबदति, छांदोग्य है। तो कहते हैं आतो भी स शरीर प्रिया प्रियाभ्याम, ये जो स शरीर, जो स शरीर हो गया, शरीर न स वर्तते स शरीर, मतलब शरीर के साथ जो अध्यास करता है उसको बोलते स शरीर। स शरीर यदि हो तो प्रिया प्रिय से संबंधित होगा, प्रिया प्रिय पुण्य और पाप उसका फल हो गया सुख दुख, है कि नहीं? कर्म तो होगा ही होगा, शरीर में यदि अध्यास हो तो कर्म होगा ही होगा, और कर्म यदि होगा तो आप धर्माधर्म को मानो नहीं मानो, धर्माधर्म तो होगा ही होगा कि नहीं होगा, कि मानने से होगा क्या, मानो या ना मानो तो होगा ही होगा। बात समझ भाई, और धर्माधर्म यदि हुआ तो सुख दुख होगा ही होगा, है ना? ये युक्ति है, अन्न सहचार और व्यतिरिक्त सहचार, कारण हो तो कार्य होगा, अन्वय हो गया, है कि नहीं? अन्न होगा, आ कारण न हो तो कार्य नहीं होगा, व्यतिरिक्त हो गया, दोनों को कह रहे हैं यहाँ पर। पहले अन्न का देखो, है ना, स शरीर से सतः, ये जो जीव यदि स शरीर हो गया तो प्रिया प्रियोर अपतिरस्ति, प्रिया प्रिय का नाश होगा ऐसा नहीं, प्रिया प्रिय तो होगा ही होगा, सुख दुख का संबंध तो होगा ही होगा। तो कारण कौन हो गया? सशरीरत्व, सशरीरत्व सत्वे प्रिया प्रिय सत्वम, देखो इसको क्या सहचार बोलेंगे, अन्न सहचार, क्या बोलेंगे, जैसे मृत्तिका सत्वे घट सत्वम, हाँ मिट्टी हो तो घट बनेगा, बनेगा गारंटी है, मिट्टी रख दिया तो घट बन जाएगा, बनाने वाला ना हो तो, डंडा ना हो चक्र ना हो तो बन जाएगा। मृत्तिका हो का मतलब होता है सारी सामग्री रहते हुए यदि मृत्तिका हो, ऐसे नहीं कि मृत्तिका होने से घट हो जाएगा, ऐसे नहीं, सारी सामग्री रहते हुए यदि मिट्टी हो तो घट बनेगा, ये अभिप्राय होता है। ठीक है, इसलिए कह दिया कि स शरीरत्व सत्व, स शरीरत्व यदि हो तो प्रिया प्रिय का संबंध होगा, अन्न सचार हो गया, स शरीरत्व सत्वे प्रिया प्रिय सत्वम, सुख दुख का संबंध तो होगा ही होगा, अन्न सचार हो गया। व्यतिरिक्त सचार आगे देखो, इति यथा वर्णितम संसार रूपम। अच्छा आगे व्यतिरिक्त सचार थोड़ी सी टीका पर ले लेते हैं। मोक्षो न कर्म फलम, देखो युक्ति है ये, मोक्ष कर्म का फल नहीं है, ना कर्म का है ना उपासना, दोनों ले लो कर्म शब्द से, जागादि उपासना सब, मोक्ष कर्म का फल नहीं है, ठीक है ना, मोक्ष कर्म का फल नहीं है। बोलते क्यों नहीं हो सकता है, कोई बोल देगा
काश्या मरणान मुक्ति, काश्य मर जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, तो कहाँ ज्ञान है, है? और क्या, तो माली उपासना करेंगे तो ब्राह्मण लोग जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। बोलते नहीं, ज्ञानात एव तु कैवल्यम, ज्ञानात एव तु कैवल्यम, ये सिद्धांत है कि नहीं। तमेय विदित्वा अत्युमृत्युम एति, ये भी सिद्धांत है। देखो, ज्ञान से ही मोक्ष है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। ज्ञान के बिना भी मोक्ष हो जाता, व्यभिचार नहीं होगा, कारण न और कार्य हो जाएगा। ज्ञान के बिना भी मोक्ष होगा, व्यभिचार नहीं होगा, कोई व्यभिचार दोष देगा। काशी में मरने पर मुक्ति हो जाएगी, वहाँ पर भी मरने मात्र से मुक्ति नहीं होती, वहाँ पर भी ज्ञान से ही मुक्ति है, वहाँ पर भी ज्ञान प्राप्त होता है। महादेव ज्ञान प्रदान करेंगे, करके तारक मंत्र देंगे। ब्रह्मलोक जाने मात्र से मुक्त नहीं होता है, वहाँ पर भी ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, ठीक है। कोई दोष नहीं है, वो भी ठीक है, काश्य मरणान मुक्ति, वो भी ठीक है, लेकिन ज्ञान होने पर मुक्ति होती है, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है, वो तो साधन है, वो ज्ञान प्राप्ति का साधन, केवल काशी में रहने से थोड़ी होता है, उसमें नियम से रहना पड़ेगा। और क्या, गंगा जी की उपासना करनी पड़ेगी, महादेव की उपासना करनी पड़ेगी, साधु का दर्शन करना पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसे नहीं कहीं भी पान खा कर थूक लेंगे, थोड़ी होगा उससे। काशी में रहो और पान खा कर थूकते जाओ इधर उधर, तो फिर मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी। विनोद में कहा हो, नियम से रहना पड़ता है, नियम के बिना मुक्ति नहीं होती है। अच्छा जी, मोक्षो न कर्म फलम, मोक्ष कर्म का फल नहीं है। क्यों, हेतु दिया जा रहा है, एक लंबा चौड़ा हेतु है। कहते कि देखो, कर्म फल विरुद्ध अतीन्द्रियत्व विषयकत्व स शरीरादि अभोग्यत्वादि धर्मत्व। देखो ये लंबा चौड़ा पंचमंत हेतु हो गया, कर्म का फल से विरुद्ध होता है मोक्ष। मोक्ष न कर्म फलम, साध्य हो गया कर्म फलत्व अभाव, कर्म का फल होता है स्वर्ग आदि, मोक्ष कर्म का फल नहीं है। मोक्ष में कर्म फलत्व का अभाव सिद्ध कर रहे हेतु है, कर्म फल होता है, हाँ, इंद्रिय युक्त होता है, इंद्रिय के बिना कर्म का फल भोग नहीं होगा, बिना इंद्रिय से भोग नहीं होगा। लेकिन मोक्ष का अनुभव बिना इंद्रिय से होगा कि नहीं, होगा। परमानंद की अनुभूति के लिए किसी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपना स्वरूप है, वो मोक्ष परमानंद अपना स्वरूप है वो, इसलिए अतीन्द्रियत्व है, मोक्ष में अतीन्द्रियत्व है, और कर्मों के फल में सान्द्रियत्व है, सेंद्रियत्व है, और विषयकत्व है। देखो, कर्म का फल सुख है ना, तो सुख में दुख एक नहीं, उसमें दुख थोड़ा बहुत मिला रहता है। अब मोक्ष कैसा होता है, विषयक विगत सुख यजमान विषयकत्व है। और शरीरादि अभोग्यत्व, देखो कर्म का फल होता है शरीरादि से भोग्य, और मोक्ष शरीरादि से भोग्य नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप आत्मस्वरूप है वो। इस प्रकार व्यतिरेकेण व्यतिरिक दृष्टान अन्य दृष्टान्त होगा नहीं, मोक्ष के लिए अन्य दृष्टांत मिलेगा नहीं, मोक्ष तो एक ही है, मोक्ष एक ही है, इसलिए व्यतिरिक दृष्टांत मिल जाएगा, अन्य दृष्टांत नहीं मिलेगा। व्यतिरेकण स्वर्गादि, जहाँ पर साध्य नहीं रहेगा वहाँ पर हेतु नहीं रहेगा, साध्य हो गया कर्म फलत्व अभाव, अरे उसका फल, उसका अभाव क्या होगा, कर्म फलत्व हो जाएगा, कर्म फलत्व के अभाव का अभाव, दो अभाव कर देंगे तो प्रकृति को बोध कराएगा, ठीक है ना। जैसे घटा भाव का अभाव क्या होगा, घट स्वरूप होगा, घटा भाव का अभाव क्या होगा, घट स्वरूप होता है। इसी प्रकार से कर्म फलत्व के अभाव का अभाव क्या होगा, कर्म फलत्व हो जाएगा। इसलिए स्वर्ग आदि में कर्म फलत्व है, स्वर्ग आदि कर्म का फल है, जहाँ पर साध्य नहीं रहेगा वहाँ पर हेतु नहीं रहेगा, ये बोलते हैं। देखो, हैं, ये स्वर्ग के स्वर्ग आदि फल में तो देखो ये हेतु नहीं रहेगा, तो मोक्ष में अतीन्द्रियत्व है, और स्वर्ग आदि में
सेंद्रियत्व है ना, विषयकत्व का अभाव है, स्वर्ग आदि में सोक्त रहता है और शरीर आदि से भोग्य होता है स्वर्ग आदि। इति न्याय अनुग्राह्याम श्रुति, ये देखो श्रुति जो है ना अनुग्रहित होती है ना, और श्रुति के अर्थ को दृढ़ करने के लिए अनुग्राहक होती है युक्ति, युक्ति है अनुग्राहिका, और श्रुति क्या होती है अनुग्रहित होती है, अनुग्रहित क्योंकि अर्थ का दृढ़ीकरण होता है ना। जिस वेदांत वाक्य का श्रवण करोगे उसके अर्थ का दृढ़ीकरण मनन से होगा, इसलिए मनन होता है अनुग्राहक, ठीक है ना, अनुग्रहित श्रुति है। श्रुति माह, इसलिए श्रुति बोलते हैं उसी छांद के में, आ शरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशत। है देखो भाई बाव का अर्थ है एव, बाव का अर्थ एव, टीका में देते बाव इति अवधारणे, अशरीरम एव संतम, जो ज्ञानी क्या हो गया अशरीर हो गया, मतलब शरीर के साथ अध्यास नहीं रहा, यही अशरीर है ना। शरीर में व्यवहार होते हुए भी वो जानते कि तो शरीर का जन्म है, गुणा गुणे से वर्तन थे है कि नहीं, मेरे में इसका कोई संबंध नहीं है, अध्यास की निवृत्ति हो गई। हाँ जी हाँ जी है ना, हाँ मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानृते मिथिन कृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको लोक व्यवहार बोलते ना भाष्यकर भगवान, अध्यास भाष्य में सुने आप लोग, मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्य और मिथ्या में जो अध्यास होता है उसका निमित्त हो गया मिथ्या ज्ञान, अपने स्वरूप को न जानने से अध्यास होगा अविवेक है कि नहीं, स्वरूप का विवेक न होने से शरीर के साथ अध्यास होता है कि नहीं, और अपने स्वरूप को जान लिया तो शरीर के साथ अध्यास नहीं होगा, इसलिए अध्यास का कारण हो गया मिथ्या ज्ञान, वो नहीं रहा तो शरीर में अध्यास कैसे होगा, और शरीर में यदि अध्यास न हो तो प्रिया प्रिय का संबंध नहीं होगा, कारण ना हो तो कार्य नहीं होगा ना, सुख दुख की प्राप्ति का हेतु कौन है, सशरीरत्व पहले कहा ना, पर अन्न सचार व्यतिरिक्त सचार, अशरीरम मतलब शरीरत्व अभावे मतलब अशरीरत्व, व्यतिरिक्त सचार होगा ना, कारण ना हो तो कार्य नहीं होगा, मैं मृत्यु का अभाव है घटाभाव, इसलिए सशरीरत्व अभावे शरीर के साथ अध्यास न हो तो प्रिया प्रिय असत्यम, प्रिया प्रिय का संबंध ना धर्म धर्म का संबंध होगा ना जो है सुख दुख का संबंध होगा, ये तात्पर्य है। और शरीर के साथ अध्यास हो तो चाहो या ना चाहो सुख दुख तो होगा ही होगा, क्यों भाई बोले नहीं नहीं हम तो आत्मा का इतना व्याख्यान कर रहे हैं, हम तो अध्यास का इतना व्याख्यान कर रहे हैं, हमको क्यों अध्यास होगा कुछ भी करो अज्ञान हो तो शरीर के साथ अध्यास तो होगा, माया छोड़ेगी नहीं, स्वरूप का साक्षात्कार जब नहीं हुआ तो माया रूपी करंट तो झटका मारेगी ही मारेगी, बोले नहीं हम तो इंजीनियर है इलेक्ट्रिक के, हम इलेक्ट्रिक में PhD किए, हमको करंट कुछ नहीं कर, पकड़ कर देख लो फिर है कि नहीं, पकड़ करके देख लो, जूता चप्पल वगैरह ना पहनो और पकड़ लो पता लग जाएगा है कि नहीं। इसी प्रकार से कुछ भी करो कितना भी व्याख्यान करो जब तक स्वरूप का बोध नहीं है तो अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, अविद्या की निवृत्ति ना हो तो शरीर का अध्यास होगा ही होगा, और शरीर का यदि अध्यास हो गया तो सुख दुख होगा ही होगा, ये श्रुति बोलते अशरीरम भाव, यदि आप अशरीर हो गए शरीर के साथ अध्यास है नहीं, अध्यास नहीं रहा है कि नहीं, ज्ञानी के लिए बोल रहे तो न प्रिया प्रिय स्पृशत, प्रिया प्रिय का संबंध नहीं होगा, कारण नहीं रहा तो कार्य नहीं होगा। यदि भाष्य देखो प्रिया प्रिय स्पर्शना प्रतिषेधा, है देखो प्रिया प्रिय जो है धर्माधर्म सुख दुख उसका प्रतिषेध हो गया,
इसलिए 14 लक्षण धर्म कार्यत्वम मोक्षाख्यस्य। ये देखो 14 लक्षण जो धर्म, धर्म में प्रमाण हो गया 14 वाक्य सर्व काम इत्यादि लक्षण का अर्थ प्रमाण। ऐसे धर्म का कार्य स्वर्गादि है, मोक्ष नहीं है। मोक्षाख्यस्य, मोक्ष कौन है यहाँ पर? मोक्ष और कुछ नहीं है, अशरीरत्व मोक्षाख्यस्य। ये देखो शरीर के साथ अध्याय छूट गया तो मोक्ष ही है, कि नहीं? बंधन और कुछ नहीं है, शरीर के साथ अध्यास हो गया तो बंधन है कि नहीं? इसलिए भाष्यकार सूचित कर रहे हैं, देखो मोक्षाख्यस्य अशरीरत्व। मोक्ष क्या है? अशरीर हो जाना। शरीर के साथ अध्याय छोड़ गया तो मुक्त ही आप, इसलिए शरीर के साथ अध्याय छोड़ना ही मोक्ष है, भाष्य बोल रहे है कि नहीं? मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य, शरीर के साथ छोड़ देना अध्यास को, यही मोक्ष ही है कि नहीं? ये धर्म का कार्य नहीं है वो, हैं? धर्म कार्यम न धर्म कार्यम, ये धर्म का कार्य नहीं है, ठीक है ना? हम आगे बढ़ गए। मोक्षाख्यस्य अशरीरत्व प्रतिषिध्यते इति गम्यते, प्रतिषेध करते हैं भाई ये मोह, ये कर्म का फल नहीं है, निश्चित हो गया। थोड़ी टीका देखो, तत्त्वतो विदेहम, ये देखो स्वरूप से आप विदेह हो गए। विदेह हो गए मतलब शरीर त्याग कर दिया, ऐसा नहीं। विदेह का मतलब शरीर के साथ अध्यास नहीं होना है, जैसे विदेह राज बोलते हैं ना जनक जी को, मतलब क्या है? शरीर रहते हुए भी शरीर में अध्यास नहीं है, विदेह हो गए, ठीक है ना? इसलिए तत्व तो यदि विदेह हो गया, विदेहम संतम आत्मानम स्वरूप आत्मा में, वैसेके सुख दुखे नैव स्पृशत, सुख दुख नहीं होता है, वैसेक सुख दुख, सुख दुख विषय से हो रहा है, वैसेक सुख दुख नैव स्पृशत, ये तात्पर्य हुआ। अच्छा, मोक्षश्चेत उपासना रूप धर्म फलम, मोक्ष को यदि उपासना रूपी धर्म का फल मानेंगे है ना, तब तो देखो तदेव प्रियमस्ति, फिर उपासना रूप जो धर्म है वही प्रिय हुआ। लेकिन श्रुति क्या बोलती है? ना प्रिया प्रिय स्पृशत, प्रिया प्रिय का संबंध नहीं होता है। यदि उपासना का फल को यदि मोक्ष मान लेंगे तो श्रुति पे निषेध नहीं करे ना, अशरीरम भाव न प्रिया प्रिय स्पृशत, इसका मतलब है मोक्ष उपासना का फल नहीं है। उपासना से यद्यपि ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आती है, लेकिन उतने से मोक्ष नहीं ना होगा, है ना? ज्ञान से मोक्ष होता है। अच्छा, इसलिए कह रहा है देखो धर्म कार्यत्व, भाष्य देखो, मोक्ष को यदि धर्म का कार्य मानेंगे तो प्रिया प्रिया स्पर्शन प्रतिषेधो न उपपद्यते। श्रुति तो प्रिया प्रिय का संबंध, स्पर्शन मतलब संबंध, संबंध का निषेध करती है श्रुति, ये युक्ति युक्त तो नहीं हो पाएगी। अच्छा देखो, ननो प्रियम नाम वैश्यक सुखम, प्रिय का मतलब क्या होता है? वैश्यक सुख, और वैश्यक सुख जिससे मिलता उसको ही बोलते हैं प्रिय, बोलते ही नहीं बोलते ये हमारे प्रिय है, बोलते ना ये हमारे क्या है प्रिय, तो प्रिय कौन है? सुख। जब तक स्वरूप का सुख का बोध नहीं हो रहा है तो वैसे का सुख को प्रिय मानता है व्यक्ति। और वैसे का सुख जिससे होगा वो भी कैसे हमारे प्रिय है? प्रिय क्यों है वो? सुख उससे मिल रहा है इसलिए प्रिय हो, समझ में कि नहीं? हाँ ऐसे है। और यदि सुख का दुख का हेतु हो गया तो अभी प्रिय है क्या? हम भले ही ऊपर ऊपर बोलते हो, ये हमारे कभी कभी परम प्रिय ही बोल देते, परम प्रिय तो आत्मा ही है। एको देव सर्वभूतेषु गुणः, ऐसा अनुभव करते हुए यदि सबको यदि परम प्रिय बोलते हैं तब तो ठीक है क्या? सभी में यदि एक आत्मा को देखते हुए यदि परम प्रिय कहते कि हमारी परम प्रिय, तब तो ठीक है। इधर भेद बुद्धि है और इधर बोलते कि हमारे परम प्रिय, वो तो केवल व्यवहार मात्र है।
इसको अभी बोल दिया कि हमारे परम प्रिय, और कल दूसरे को बोलेगा ये हमारे परम प्रिय, तब पहले वाला बोलेगा स्वामी जी आप जो उसको ही बोल रहे थे परम प्रिय। अरे उसे बोलना पड़ता है तो कहाँ परम प्रिय हुआ वो, आत्मा ही क्या है परम प्रिय, क्योंकि आनंद स्वरूप है ना, आत्मा आनंद स्वरूप है परम प्रिय है। यमात्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यत, पंचोदशी कर कहते हैं आत्मा ही क्या है परम प्रिय है, क्योंकि आनंद स्वरूप है कि नहीं। जो आनंद स्वरूप नहीं होगा प्रिय तो हो सकता है लेकिन परम प्रिय नहीं हो सकता है कि नहीं, आत्मा ही परम प्रिय है। चलो भगवान, नो प्रियम नाम वैसे का सुखम, पूर्व पक्षी कह रहा है चलो प्रिय का नाम हो गया वैसे का सुख, तर निषिद्धते, आत्मा में वैसे का सुख नहीं है, निषेध कर दिया। मोक्षस्तु धर्म फलम, लेकिन मोक्ष को धर्म का फल मान लो, मोक्ष को क्या मान लो धर्म का फल मान लो, और धर्म किससे होता है कर्म से है कि नहीं। कर्मणाम विचित्र दान सामर्थ्य, कर्म में जो है वो विचित्र फल को देने का सामर्थ्य, मीमांसक कहेगा, ये मीमांसक कहेगा है कि नहीं। इसलिए बोल रहे देखो कर्म में सामर्थ्य है कि नहीं, विचित्र फल को देने का सामर्थ्य कर्म में है। इसलिए कुछ लोग इसलिए नहीं मानते ना ईश्वर को, कर्म में सामर्थ्य है। यदि संकदे बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, श्रुति बोलती है देखो, श्रुति स्मृति सब बोल रहे आ शरीरम शरीरेशु अनवस्थेशु अवस्थितम महांतम व्योमात्मान मत्वाधीरो न सोचती। देखो बोलते कि अनवस्थितेशु, आत्मा से अतिरिक्त जितने भी है वो सब अनवस्थित है, वो स्थिर नहीं है, आत्मा ही स्थिर है, आत्मा ही कुटस्थ है, बाकी सब तो आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे जा रहे है कि नहीं। अनवस्थित शरीर हो गया अनवस्थित है ना, पांच भौतिक है ना, ये शरीर हो गया कैसा है पांच भौतिक माइक है वो, उसमें रजोगुण भी है कि नहीं। रजोगुण जहाँ पर है वहाँ पर तो स्थिरता हो ही नहीं सकती, रजोगुण कहाँ नहीं है, रजोगुण कहाँ नहीं है, बुद्धि में है। बोलते कि सत्यगुण का कार्य है बुद्धि भाई, नहीं वहाँ पर भी रजोगुण है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जहाँ पर रजोगुण नहीं है सर्वत्र रजोगुण, जैसे सांख्य लोग कहते ना ये सब तीनों मिलकर के कार्य संपादन करेंगे, सत्यगुण रजोगुण तमगुण, कहीं कम कहीं ज़्यादा ये हो सकता है लेकिन रहेंगे तीनों गुण, रहेंगे तीन गुण है कि नहीं। दृष्टांत देते हैं सांख्य लोग, जैसे दीपक का दृष्टांत देते हो, प्रकाश होगा ना, तो प्रकाश यद्यपि अग्नि का है लेकिन केवल अग्नि से थोड़ी होगा, अग्नि होगी कैसे, उसके तेल चाहिए है, केवल तेल लगने से होगा, उसे बत्ती चाहिए, बत्ती तेल अग्नि हो तो प्रकाश होगा, क्यों भाई। जैसे बोले बिजली करंट से हो जाएगा प्रकाश, बल उसमें तार चाहिए फिर बल्ब चाहिए तब जा करके होगा, करंट रहेगा कैसे फिर, ऐसे कि नहीं। ये तीनों मिलकर के प्रकाश देंगे इसे कोई भी होगा, सुख हो दुख हो मोह हो, सब जो है तीनों गुण मिलकर के देंगे। रजोगुण जहाँ है तो समझते हैं अस्थिरता तो होगी होगी है कि नहीं। इसलिए अनवस्थेशु मतलब अस्थिर पदार्थ में, अस्थिर कौन हो गया शरीर, अनवस्थेशु है ना, शरीरेशु, लेकिन एक अवस्थित है स्थिर पदार्थ कोई है, वो कौन है आत्मा है। ये चित्र आ रहा है जा रहा है लेकिन कोई एक पर्दा स्थिर है, मानना पड़ेगा कि नहीं। ये पर्दा कौन है, आत्मा ही, अशरीरम है ना, ये शरीर के साथ संबंध नहीं है आत्मा का, वो कुटस्थ है, अवस्थित मतलब कुटस्थम, और वो व्यापक है महांतम, वो महांत व्यापक मतलब। और बोलते हैं कि आपेक्षिक व्यापक हो जाए, जैसे पृथ्वी की अपेक्षा से जल हो गया, जल की अपेक्षा से तेज, तेज की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा से आकाश, आकाश की अपेक्षा से माया तक ले लो, इसमें तो आपेक्षिक महत्व है व्यापकत्व, लेकिन आत्मा में
निरतिश्य व्यापकत्व, इसलिए महानतम कहने के बाद फिर विभुम कह रहे हैं, नहीं तो पुनरोक्ति हो जाएगी। विभु को भी व्यापक बोलते हैं, महान को भी व्यापक बोलते हैं, पुनरोक्ति हो जाएगी नहीं हो जाएगी। आपेक्षिक व्यापकता कोई न समझे आकाश आदि में जैसे है ना, इसलिए श्रुति भगवती कहती है कठोपनिषद में विभुम निरतिश्य व्यापक है, वो ऐसा है जो ब्रह्म वो मैं हूँ, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, अपरोक्ष ज्ञान, इसको कहते हैं साक्षात्कार कह लो। अहम ब्रह्म इति चित वेद साक्षात्कार से उच्यते, इसको कहते साक्षात्कार ज्ञान। अहम ब्रह्म इति चित वेद साक्षात्कार से उच्यते, इसको कहते साक्षात्कार। वो परब्रह्म जो है सभी शरीरों में जो कूटस्थ ब्रह्म वो मैं हूँ, इस प्रकार ज्ञान से को किसको ज्ञान होगा, धीर विवेकी को होगा। ना सोचते शोक का हेतु नहीं रहा, ना शोक का हेतु नहीं रहा अविद्या, है ना, ये था। इसलिए ये मोक्ष जो परमानंद जो मोक्ष है वो कर्म उपासना का फल नहीं है, वो ज्ञान का फल। क्या अज्ञान की निवृत्ति होगी तो मोक्ष ही है, ज्ञान केवल अज्ञान को दूर करता है, मोक्ष तो आत्मा का स्वभाव है। अतएव अनुष्ठेय कर्म विलक्षण मोक्षाख्य अशरीरत्म नित्यम इति सिद्धम, इसलिए अनुष्ठेय कर्म होता है जागादि और उपासना भी सब आगे अनुष्ठेय कर्म, उसका फल जो है ब्रह्मलोक पर्यंत, उससे विलक्षण हो गया मोक्ष। मोक्ष क्या है, अशरीरत्व, शरीर के साथ अध्याय छोड़ दिया, यही मोक्ष है। और ये तो नित्य है क्योंकि तीनों काल में आत्मा का संबंध है ही नहीं शरीर के साथ, केवल उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही थी अज्ञान के कारण, ज्ञान अज्ञान को दूर कर दिया, इसलिए नित्यम सिद्ध है मोक्ष, नित्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।